ये देख सकते हैं आप, ये सीप, हाथी दांत और कांच से बनी तश्चरियां, प्लेट्स, अष्ट धातु, तांबा, पीतल, सोना, चांदी से बने हुए बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, और ये सब काठ की वस्तुएं हैं। ये सब डेकोरेशन के हैंडीक्राफ्ट आइटम हैं, उसी समय के हैं सब। ये कुछ नक्काशीदार जालियां हैं यहाँ पे, ये सभी बहुत प्राचीन हैं। और अब हम आगे बढ़ चले हैं गाइस। इसके अलावा यहाँ पे एक सिक्कों की गैलरी भी है, जहाँ पे सोने चांदी के प्राचीन ज़माने के सिक्कों को दर्शाया गया है। यहाँ पे चारों तरफ गैलरियाँ बनी हुई है और बीच में पुतला प्रदर्शन किया गया है। अब हम पुतला प्रदर्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस तरफ हैं पृथ्वीराज सिंह चंद्रवदई से चर्चारत हैं, तो चलिए उनका पुतला देखते हैं और पृथ्वीराज सिंह जी के बारे में बात करते हैं। तो गाइस चंद्रवदई जो थे वो बचपन से ही पृथ्वीराज जी के दोस्त थे, घनिष्ठ मित्र थे वो, और उन्होंने उन्हें शब्दबान भेदी विद्या दी थी। और पृथ्वीराज जी थे वो शब्दबान भेदी में बहुत माहिर थे, उन्होंने मोहम्मद गोरी को आँखों के फूटने के बावजूद भी शब्दबान भेदी विद्या से मार गिराया था। और यहाँ पे ये दोनों चर्चारत है, ये सामने पृथ्वीराज सिंह जी है और साइड में यहाँ पे चंद्रवदई बैठे हैं। और चंद्रवदई जी ने ही पृथ्वीराज जी के कहने पर पृथ्वीराज रासो के चार भाग लिखे थे उनकी जीवनी पे, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ये लिखा है पृथ्वीराज जी और चंद्रवदई जी के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो भाई चंद्रवदई जी की एक पुरानी कहावत है कि चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, और इस तरह से सुल्तान को उन्होंने उस समय मार गिराया था। और अब हम